हेलो, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न आपसे रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जी हां, आपने सही सुना, कॉपी पेन साथ लेके बैठिएगा, जो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा वो नोट करते जाइएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न जो आपके रेलवे में पूछे गए हैं। आपका रेलवे के एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में जो मैं प्रश्न डिस्कस करूंगा ये जरूरी नहीं कि रेलवे के लिए ही जरूरी है, ये आपके एसएससी के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए आप ये यूजफुल हो सकते हैं आपके लिए प्रश्न, तो इनको जरूर करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं, वन बाय वन प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से रिक्वेस्ट मैं सबसे पहले आपसे करूंगा कि मेरा फेसबुक पेज है जिसमें मैं करंट न्यूज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, उसको जाइए, उसको फॉलो कीजिए। डेली जो करंट अफेयर होती है इंपॉर्टेंट, मैं उसको HD वे में बना के क्रिएट करके आपको सामने रखता हूँ। तो प्लीज जाइए उस फेसबुक पेज पे, लाइक कीजिए उसको। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। सो पहला भारतीय जो लीडर चुना गया था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, वो आपको बताना है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था MN रॉय। ठीक है, सो MN रॉय पहले ऐसे कम्युनिस्ट लीडर थे। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन कहे जाते हैं, आपको बताना है। सो इंडिया के अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कहे जाते हैं वो है एनी बेसेंट। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो इंडिया के अंदर मद्रास में आई थी 1886 में। इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? सो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो बनी थी 29 अक्टूबर 1870 को, इसके फाउंडर कहे जाते हैं केशव चंद्र सेन। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। सो डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस के जो जनक किसको माना जाता है? सो डॉक्टर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस प्रोपाउंडेड बाय अरबिंदो घोष। ठीक है, नेक्स्ट है, म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। सो पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत किसने स्थापित किया था, आपको बताना है। पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत स्थापित किया था अरबिंदो घोष ने, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, म्यूटिनी ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वाई? सो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो किसने कहा है ये? VD सावरकर ने, उनकी बुक कौन से में? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी थी? VD सावरकर ने। नेक्स्ट है, द स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट थी वो किससे रिलेट करती थी, आपको बताना है। सो जो स्वदेशी मूवमेंट थी जो एक्चुअली अस्तित्व में आई थी वो आई थी 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट थी? ये थी जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में उसके अगेंस्ट थी। सो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। हु गेव द टाइटल नाइटेंगल ऑफ इंडिया टू सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया का टाइटल खिताब ये किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायस रॉयल्टी ऑफ। सो इंडिया में जो बजट सिस्टम है कौन से वायस रॉय के दौरान लाया गया था, ये आपको बताना है। तो उस समय जो वायस राय थे, जब बजट सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 7 अप्रैल 1860 को, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस गई थी किसके द्वारा, ये आपको बताना है। देखिए, आजकल का जो सिस्टम एजुकेशन का हम पढ़ते हैं, इसका जो बेसिक दिया था वो राजा राम मोहन राय के जो है एफर्ट्स के कारण हुआ था। तो इनको वेस्टर्न एजुकेशन का जनक माना जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हूज वायस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकटा टू दिल्ली। तो कौन से वायस राय के दौरान जो इंडिया की कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया था कैलकटा से दिल्ली के अंदर, आपको बताना है। ठीक है, सो इनका नाम है चार्ल्स हार्डिंग, नोट कर लीजिए आप। चार्ल्स हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान जो इंडिया की कैपिटल है वो कैलकटा से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, और ये ट्रांसफर हुआ था जो 1912 में हुआ था, ये भी आप नोट कर लीजिए 1912। विच टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी
वॉज सरेंडर ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, असहयोग आंदोलन जो चला था, उसके दौरान गांधी जी ने अपना एक टाइटल जो है सरेंडर कर दिया था, जो ब्रिटिश सरकार ने ही उनको दिया था। तो वो कौन सा टाइटल है, नाम आपसे पूछा गया है। सो गांधी जी को 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। सो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली थी उसी के दौरान गांधी जी ने इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। हु इज रेफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के तौर पर किसे जाना जाता है, हम सभी जानते हैं, इनका नाम है अब्दुल खान, अब्दुल गफ्फार खान। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहते थे उन्होंने कौन सा पत्रिका प्रस्तुत की थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने तब प्रस्तुत की थी जब वो साउथ अफ्रीका में रहते थे। विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता कौन कहे जाते हैं, ये आपको बताना है। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर कहे जाते हैं वो है लॉर्ड रिपन। इसको याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, लॉर्ड रिपन। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो पहली बार दो भागों में बट गई थी। तो कौन से सेशन में ये हुआ था आपको बताना है। सो जो सूरत सेशन हुआ था 1907 में, उसमें द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेजिडेंट कौन थी आपको बताना है। सो पहली महिला प्रेजिडेंट कौन थी, एनी बेसेंट थी पहली महिला प्रेजिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट बाय, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था आपको बताना है। सो जो जॉर्ज विटेट थे, जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए, सॉरी निर्माण किया था। वो एक स्कॉटिश आर्किटेक्ट थे। नेक्स्ट है आपका द फेमस विष्णु टेम्पल एट अंकोर वॉट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाय। ये देखिए मिडेवल हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मिडेवल हिस्ट्री भी मैं आपको पूरी करवाऊंगा जो रेलवे में पूछी जा चुकी है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन बीच में आ गया तो कर लेते हैं। तो जो मंदिर है उसको बनाया था सूर्यवर्मन टू ने, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, सूर्यवर्मन टू ने। द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड ओवर यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय थी जो, उसका नाम आपको बताना है। तो ये बात है 1953 की और इसकी अध्यक्षता की थी विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप। सो इंडिया का रास्ता किसने खोज निकाला था वाया केप ऑफ गुड होप से, ये आपको बताना है। तो उनका नाम हम सभी जानते हैं, वास्को डे गामा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद द स्टेट ऑफ निजाम वॉज टेकन ओवर बाय द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू। तो हैदराबाद जो स्टेट था आज़ादी के बाद भारत में मिलाया गया, कैसे मिलाया गया आपको बताना है। तो दरअसल जो इस स्टेट को मिलाने के लिए भारत सरकार ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था, ठीक है, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे चार ऑपरेशन, मिलिट्री था, पॉलिटिकल था या कोई अमेंडमेंट करके, तो आपको आपका ऑप्शन आंसर होगा मिलिट्री ऑपरेशन, ठीक है, और जो ऑपरेशन चलाया गया था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। व्हाट इज द नेम ऑफ द एरा ऑन विच नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड। तो ये आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो स्टैटिक जीके भी आप इसको बोल सकते हो। सो जो नेशनल कैलेंडर है हमारा वो साका एरा पे बेस होता है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो पहले ऐसे भारतीय जो सदस्य बने थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के आपको बताना है, उनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसलेस स्टेट्स डिड नॉट एक्सीड टू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब भारत आजाद हुआ तो कौन सा ऐसी रियासत थी जिसने भारत में आने से मना कर दिया था, ठीक है, तो वो थी जूनागढ़ रियासत, ठीक है। द नवाब ऑफ जूनागढ़ जिसका नाम था मोहम्मद महाबत खंजी तृतीय एक्सेप्टेड टू द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ऑन 15 सितंबर 1947। मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास वर द फाउंडर ऑफ अ पार्टी नोन एज। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, आपको उस पार्टी का नाम बताना है। तो उस पार्टी का नाम है द स्वराज पार्टी, ठीक है।
इन विच ऑफ इट्स सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स स्पेसिफिक गोल। सो कौन से सेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि जो पूर्ण स्वराज होगा अब उसका एकमात्र गोल होगा, तो ये कौन से सेशन में किया था इन्होंने, लाहौर सेशन, ठीक है, और जो ये हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, इसी सेशन के अंदर जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का। खिलाफत मूवमेंट वॉज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, खिलाफत मूवमेंट किससे कनेक्ट है ये आपको बताना है। सो जो खिलाफत मूवमेंट किससे कनेक्ट थी, तुर्की से, ठीक है, आपको जो है कंट्री के नाम दिए होंगे, सो खिलाफत मूवमेंट जो कनेक्टेड थे वो कौन सी कंट्री से कनेक्टेड थे, तुर्की से। ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ब्रिटिशर्स के पास जो पॉलिटिकल पावर आई थी भारत के अंदर, सो कौन से इवेंट के बाद वो आई थी आपको बताना है। सो जो पॉलिटिकल पावर इनके पास पूर्ण तरीके से आ गई थी वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757, ठीक है। कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसको, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये आया था 24 मार्च 1946 में और उसको लीड किया था सर पैथिक लॉरेंस ने, इसको नोट कर लीजिए सर पैथिक लॉरेंस ने। जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मैसेक्रे वाज शॉट डेड बाय, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी, बाद में जनरल डायर को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी एक इंडियन के द्वारा, आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। तो उनका नाम है सरदार उधम सिंह और ये उन्होंने इनको मारा था जाके 1940 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाई सुभाष चंद्र बोस, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी है जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी आपको बताना है। सो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, सो उसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। Who among the following did Gandhi ji regard as his political guru? So Gandhi ji अपना political guru किसे मानते थे आपको पता होना चाहिए, काफी बार repeat हो चुका प्रश्न है रेलवे में या SSC में भी। So Gandhi ji अपना political guru मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले जी अपना गुरु किसे मानते थे, महादेव गोविंद रानाडे को, ये भी नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्तुगीज लीडर, तो ब्लू वाटर पॉलिसी इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी, कौन से पोर्तुगीज लीडर ने इंट्रोड्यूस की थी, उनका नाम है डॉन फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वॉज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी एंड लखनऊ, तो कहाँ पे हुई थी भाई ये काकोरी जो लखनऊ में हुई थी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। The only viceroy to be assassinated in India was, तो कौन से viceroy की हत्या इंडिया में की गई थी आपको बताना है, सो इनका नाम है लॉर्ड मेयो। Who was the founder of Kolkata's first आत्मीय सभा, जो कि एक philosophical discussion circle था, सो founder कौन कहे जाते हैं आत्मीय सभा के, राम मोहन रॉय। In which year was Morley Minto reform passed, तो कौन से वर्ष में Morley Minto रिफॉर्म जो है पास हुए थे आपको बताना है। तो जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म है उसको द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है 1909। द इंडिया इंडिपेंडेंस बिल वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन ऑन, भारत की आजादी का जो बिल था सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन इन लंदन में, कब प्रस्तुत किया गया था आपसे डेट पूछिए, तो ये प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को 12 बजे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉयस राय वॉज द इंडियन सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस, तो भारत में जो भारतीय सिविल सर्विस जो है कब इंट्रोड्यूस की गई थी, कौन से गवर्नर जनरल वॉयस राय के दौरान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, सो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हु इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया, तो भारत में मनसबदारी सिस्टम कौन लेके आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम, सो मनसबदारी सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किया था अकबर, ठीक है।
हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसलेस स्टेट्स इंटू इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो भारत की आज़ादी के बाद जो विभिन्न रियासतें थी उसको एक साथ जोड़ा था भारत के साथ और एक अखंड भारत बनाया था। इसमें प्रमुख रोल किसने निभाया था? तो प्रमुख रोल किसने निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा उनके राइट हैंड वीपी मेनन ने। हु वॉज रेफर्ड टू एज एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किस व्यक्ति को कहा था, यह आपको बताना है। तो इनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? जो दादा भाई नरोजी है उनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। विच ब्रिगेडियर वॉज एसोसिएटेड विद जलियावाला बाग ट्रेजेडी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिगेडियर जो है जलियावाला बाग ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो उनका नाम है जनरल डायर। वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस। जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी वो कहां पे हुई थी, आपको बताना है। सो जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। When was the railway system established in India? भारत में रेलवे सिस्टम, भारत में रेलवे सिस्टम कब एस्टेब्लिश किया गया था, आपको बताना है। सो भारत में रेलवे सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था वर्ष 1853 में। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको स्थगित कर दिया गया था, उसका रीजन क्या था आपको बताना है। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको स्थगित कर दिया गया था चोरा चोरी घटना जो हुई थी उसकी वजह से। बैटल ऑफ प्लासी वाज व्हाट बिटवीन। जो बैटल प्लासी का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो नवाब सिजाउद्दौला, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, उसको लेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, और ये हुआ था 23 जून 1757 को। हु इज द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट सर्वोदय। सर्वोदय के फाउंडर, इस कंसेप्ट के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? महात्मा गांधी जी। हु एस्टेब्लिश्ड द शारदा सदन, अ स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल एरा। सो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो शारदा सदन है उसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रामाबाई ने। दादा भाई नरोजी हैज डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द बुक। जो दादा भाई नरोजी हैं वो अपनी थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ उनकी कौन सी बुक में उन्होंने डिस्क्राइब की थी, आपको बताना है। सो उन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये एक दो प्रश्न बीच में आ गए हैं आपके जो मिडिवल हिस्ट्री से और एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, फिर भी हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है, हमें तो सारे करने हैं। मॉडर्न हिस्ट्री भी मैंने पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, जो है मिडिवल हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा और एंशियंट भी। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर कहे जाते हैं सी राजगोपालचारी। विद विच कॉन्स्पिरेसी केस अरबिंदो घोष नेम इज कनेक्टेड। सो अरबिंदो घोष का नाम कौन से जो है षड्यंत्र के साथ जुड़ा हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका नाम जुड़ा हुआ था जो अलीपोर बॉम्ब केस हुआ था उससे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो प्रेजिडेंट कौन सिलेक्ट किए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पहले यूरोपियन थे ये, आपको इनका नाम बताना है। तो इनका नाम था जॉर्ज यूल, ठीक है। तो ये पहले यूरोपियन प्रेजिडेंट थे। द ओनली ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन गांधी जी प्रिसाइडेड वॉज हेल्ड एट। सो गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार जो है अध्यक्षता की है, और उस उनकी अध्यक्षता में एक सेशन भी हुआ था, वो कौन सा था, वो था बेलगांव सेशन, ठीक है, बेलगांव सेशन। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी। जो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, सिजाउद्दौला। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई
इस मूवमेंट को किसने इनिशिएट किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बननी चाहिए, तो इस मूवमेंट को इनिशिएट किया था भाई एलान ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम। हम अक्सर देखते हैं वेरियस जो पेपर्स होते हैं उनके ऑप्शंस। इन विच ईयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, तो कब बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में। महात्मा गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया फर्स्ट फ्रॉम, तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था कौन सी जगह से किया था आपको बताना है, तो कौन सी जगह से किया था, चंपारण से। इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी डिफीटिंग, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है प्रेजिडेंट बने थे कांग्रेस पार्टी के। जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने हराया था किसको, आपसे पूछ रहा है, तो उस चुनाव में उन्होंने हराया था डॉक्टर पत्ताभी सीतारमैया को। हु वॉज द रूलर ऑफ डेली वेन अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड द मराठा इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, 1761 में तीसरी पानीपत की लड़ाई में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, तो उस समय दिल्ली पर कौन राज कर रहा था आपसे पूछ रहा है, तो उस समय दिल्ली पर राज कर रहे थे शाह आलम टू। अंडर हुज लीडरशिप वॉज चिटगांव आर्मरी रेड ऑर्गेनाइज, तो चिटगांव आर्मरी रेड जो हुई थी इसकी लीडरशिप में हुई थी, ये हुई थी सूर्य सेन की लीडरशिप में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड रायतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास, मद्रास में रायतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो मद्रास में रायतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने 1820 में। हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है, तो उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया ये आपको बताना है, सो क्रिप्स मिशन भारत में आया था मार्च 1942। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक सभा इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सत्य शोधक सभा के जो फाउंडर थे वो कौन थे आपको बताना है, सो वो थे ज्योतिराव फुले। विच रिबेलियन इन बंगाल वॉज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंदमठ, आनंदमठ जो नॉवल है इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को इन्होंने अपने इस आनंदमठ में लिखा था, उस विद्रोह का नाम आपसे पूछा गया है तो उसका नाम है सन्यासी रिबेलियन। द फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767 to 1769 केम टू एन एंड बाय, तो जो पहला मैसूर वार था वो कौन सी संधि पे आगे खत्म हुआ था आपको बताना है, सो जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी मद्रास की संधि से क्या खत्म हो गया था पहला मैसूर वार। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th century, 19वीं शताब्दी में हिंदुइज्म को रिवाइव करने के तौर पर जो है किसे जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर, ये ईयर है ईयर, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के पास जो है सोवरेनिटी चली गई थी इंडिया की ईस्ट इंडिया कंपनी से, कब चली गई थी भाई 1858। हु बिट्रेड सिजाउदोला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें सिजाउदोला को किसने धोखा दिया था, मीर जाफर। हु इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने इसे पास किया था 1904 में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के तौर पर किसे जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। द स्पोए म्यूटिनी ऑफ 1857 अकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, सो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है, तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। When the East India Company was formed, Mughal Emperor in India was, जब East India Company बनी थी सन 1600 में, उस समय इंडिया में कौन राज कर रहा था, कौन सा मुगल एम्पायर राज कर रहा था, अकबर राज कर रहा था, ठीक है। अकबर ने जो शासन किया है अपना 1556 से लेके 1605 तक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द फ्रीडम फाइटर्स इन इंडिया। सो कौन सा जो एक नॉवल था जो भारतीयों के लिए इंस्पिरेशन था, फ्रीडम फाइटरों के लिए इंस्पिरेशन था, इंस्पिरेशन बना हुआ था, तो वो था आनंद मठ। ठीक है, और आनंद मठ मैंने बताया था किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। विच वॉज द अर्लिएस्ट सेटलमेंट ऑफ डच इन इंडिया। तो सबसे पहले जो सेटलमेंट डचों ने अपनी की थी वो कहां पे की थी, पुलिकट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स डिसाइडेड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो कौन से युद्ध से जो फ्रेंच थे उनका भाग्य डिसाइड हुआ था इंडिया के अंदर, वो आपको बताना है। सो जो बैटल ऑफ वांडीवॉश का युद्ध था उससे, और ये हुआ था 1760 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स सो द बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वार ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडिपेंडेंस के दौरान जो है कौन सी मूवमेंट ने कौन सी मूवमेंट थी जिसने जो है बिगेस्ट पीजेंट गोरिल्ला वार देखा, वो आपको बताना है। सो इस मूवमेंट का नाम था द तेलंगाना मूवमेंट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज इन, जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का वो क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो एक रेगुलेटिंग एक्ट था। द आइडिया ऑफ फेडरेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, सो जो फेडरेशन का आइडिया है सबसे पहले कब प्रपोज्ड किया गया आपको बताना है। फिर प्रपोज्ड किया गया था सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में वर्ष 1928 में। By which charter act the East India Company monopoly of trade with China come to an end? तो कौन से charter act के तहत जो East India Company की monopoly थी trade करने की China के साथ, वो खत्म हो गई थी, आपको बताना है। तो वो था charter act of 1833। The Peshwaship was abolished by the British at the time of Peshwa. So Britishers ने Peshwaship खत्म कर दी थी। तो last Peshwa कौन थे, वो आपको बताना है। तो last Peshwa थे बाजीराव टोप। Who is commonly known as the Iron Man? तो लोहो पुरुष हम बेसिकली किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वॉज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाय, तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का इनॉग्रेशन 1921 में किसने किया था, ये किया था ड्यूक ऑफ कोनार्ट ने। ठीक है, इसका आंसर है, और ये इनॉग्रेशन किया गया था 8 फरवरी 1921 को, ड्यूक ऑफ कोनार्ट इसका राइट आंसर है। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी भाई, आपको बताना है। नौजवान भारत सभा स्थापित की थी भगत सिंह ने वर्ष 1926 में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द तन्ना भगत मूवमेंट, सो कौन से ट्राइब्स थी जो तन्ना भगत मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, आपको बताना है। सो इस ट्राइब का नाम है ओरियन ट्राइब। Who was the other Congress leader who joined with Motilal Nehru to start the Swaraj Party in 1923? So, जो मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी 1923 में मिलकर, तो उनके अलावा और कौन से कांग्रेस के नेता मिलकर उनके साथ आए थे? चित्तरंजन दास आए थे, नरसिम्हा चिंतमन आए थे, ठीक है, सो और मोतीलाल नेहरू, इन तीनों ने मिलकर जो बनाई थी स्वतंत्र पार्टी, स्वराज पार्टी। Who was the Viceroy at the time of Quit India Movement? Quit India Movement के दौरान Viceroy कौन था भाई, आपको बताना है। So Lord Lilinthgow. Who gave the title of Mahamana to Madan Mohan Malviya? Madan Mohan Malviya को Mahamana का title किसने दिया था? So भाई ये दिया था महात्मा गांधी जी। Who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? So भाई Indian Civil Liberty Union 1936 में किसने स्थापित की थी, आपको बताना है। की थी जवाहरलाल नेहरू ने। व्हाट सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923? नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था 1923 में? फ्लैग सत्याग्रह हुआ था। पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में वो किसके बीच का एग्रीमेंट था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड महात्मा गांधी जी, जो साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 को येरवड़ा सेंट्रल जेल पुणे। Who founded the Indian National Party in Berlin during 1914? Berlin में Indian National Party बनाई थी, किस व्यक्ति ने बनाई थी आपसे पूछ रहा है, तो डॉक्टर चंपक रमन पिल्लाई ने, डॉक्टर चंपक रमन पिल्लाई ने वर्ष 1914 में बर्लिन में इंडियन नेशनल पार्टी बनाई थी।
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस, तो पहला भारतीय जिसने इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई किया था वो आपको बताना है। सो वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, और बात हो रही है सन 1864 की। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था भाई? गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 5 मार्च 1931। हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, इस गाने के रचयिता कौन है आपको बताना है। सो इस गाने के रचयिता है भाई मोहम्मद इकबाल। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडोप्टेड, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडोप्टेड, जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडोप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, वो अपने कौन से सेशन में किया था? अभी मैंने आपको बताया भी था, लाहौर में 1929 में। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज डन बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल, देखिए काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है तो गला थोड़ा सा दुखने लग गया है इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ सारी वीडियो पूरी, दो पार्ट में नहीं करेंगे इसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस, हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज अ हाफ नेक्ड फकीर, हाफ नेक्ड सेंट, किसने बोला था महात्मा गांधी को? महात्मा गांधी को तो बोला था विंस्टन चर्चिल ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो फाउंडर कौन कहे जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी स्टार्टेड इज डांडी मार्च फ्रॉम, महात्मा गांधी जी ने अपना डांडी मार्च शुरू किया था कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। द स्टेट झांसी वॉज मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रू, झांसी को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था कौन सी पॉलिसी के थ्रू? द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत, जिसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स को इंट्रोड्यूस बताइए। हु टर्म्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैश, इन अ क्रैशिंग बैंक, तो जो क्रिप्स प्रपोजल था, क्रिप्स मिशन था, उसको बोला था अ प्रपोजल एज अ पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक, किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, तीसरी पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? मराठा और अफगानों के बीच में 1761। हु वॉज द नवाब वेन डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856, सो डलहौजी ने जब अवध को अपने कब्जे में लिया 1856 में, उस समय अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध का नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। अकॉर्डिंग टू गांधी द स्कोप फॉर क्लास स्ट्रगल एंड लव फॉर प्रॉपर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय, सो किसे रिड्यूस कर सकते हैं आप? ट्रस्टीशिप्स। द पोर्तुगीज गवर्नर हु एबॉलिश सती इन गोवा, गोवा में सती प्रथा का अंत किसने किया था? सो गोवा में सती प्रथा का अंत किया था अल्बेक्यूरिकी ने। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कोज ऑफ इंडिगो फार्मर वॉज ऑब्जर्व्ड, तो पहला सत्याग्रह कहां पे किया था गांधी जी ने? चंपारण में। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी भाई? आगा खान ने। खिलाफत मूवमेंट वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलेशन ऑफ, खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च की गई थी भाई किसके अगेंस्ट की गई थी? किसके, जो अंग्रेजों ने एक तरीके से हम कहते हैं ना उसको तिरस्कार किया था, ठीक है, ह्यूमिलेशन, अपमानित किया था किसको? टर्किश खलीफ को अपमानित किया था, जिसकी वजह से जो है खिलाफत मूवमेंट अस्तित्व में आई थी। इंडिया वॉज ग्रांटेड फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सो उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब इंडिया को फ्रीडम प्रदान की गई? क्लेमेंट एटले। गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो भाई मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेम द गवर्नर जनरल हु एक्सेप्टेड द व्यू ऑफ मैकले टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सो भाई मैकले लेके आए थे ये प्रोविजन कि जो इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया के अंदर, और इनको सपोर्ट किया था किसने? लॉर्ड विलियम बेनेटिक। विच मूवमेंट गोट द सपोर्ट बोथ फ्रॉम हिंदू एंड मुस्लिम, तो कौन सी मूवमेंट में जो हिंदू और मुस्लिम साथ में थे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। विच वॉज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, सो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करने का मुख्य कारण क्या था? फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। इन 1937 कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्री इन, सो 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई थी, कितने राज्य में बनाई थी? 7 में। हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क, इंडियन बिस्मार्क के तौर पर किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग इन ईयर 1911 एट द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट, तो 1911 में पहली बार नेशनल एंथम गाया गया था हमारे देश का, कौन से कांग्रेस सेशन में गाया गया था? ठीक है, कलकत्ता सेशन, ठीक है, और ये हुआ था 27 दिसंबर 1911 को।
होम डिड बाल गंगाधर तिलक रेफर टू एज हिज पॉलिटिकल गुरु। तो बाल गंगाधर तिलक थे वो अपना गुरु किसे मानते थे, पॉलिटिकल गुरु, महादेव गोविंद रानाडे को। केसरी द न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, तो केसरी न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था भाई, केसरी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वायसराय कौन थे भाई आपको बताना है। सो भारत के जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिट बाय गांधी जी टिल 1933, गांधी जी ने कौन सा न्यूज़पेपर 1933 तक जो है एज ए एडिटर रहे उसमें वो आपको बताना है। तो वो था यंग इंडिया। हु सेड दैट इंडिया इंडियाज सोल लीव्स इन विलेज, ये किसने कहा था, भारतीय भारतीयों की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, तो ये कहा था गांधी जी ने। ऑन अप्रैल 12, 1944 सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द INA फ्लैग इन अ टाउन, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज दैट टाउन। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 12 अप्रैल 1944 को INA फ्लैग जो है लहराया गया था, तो कौन सी जगह पे ये लहराया गया था आपको बताना है। तो ये लहराया गया था मणिपुर में और उस जगह का नाम है मोयरंग। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज, सो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फर्स्ट वायसराय अंडर द क्राउन वॉज, सो लास्ट गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के और पहले वायसराय जो क्राउन के थे वो आपको कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। व्हाट वॉज लाला लाजपत राय डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेन व्हेन ही सकम्ब्ड टू पुलिस ब्रुटैलिटी, भाई लाला लाजपत राय जो है प्रदर्शन कर रहे थे, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनको लाठियों से पिटा गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी, तो वो प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय द इंग्लिश इन कैलकटा, तो जो इंग्लिश थे भाई उन्होंने अपना फोर्ट बनाया था कैलकटा के अंदर, उस फोर्ट का क्या नाम था, उस फोर्ट का नाम था फोर्ट विलियम। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इम्पीच्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स इन इंग्लैंड वॉज, तो महाअभियोग चलाया गया था इस गवर्नर जनरल के खिलाफ इंग्लैंड में, इनका नाम क्या है, इनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग। विच प्लेस अमंग द फॉलोइंग वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया, तो पुर्तगालियों का भारत के अंदर हेडक्वार्टर कौन सा था आपको बताना है, तो वो था गोवा। आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंडेड, चोरा चोरी घटना के बाद गांधी जी ने कौन से मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। मंगल पांडे फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, मंगल पांडे ने 1857 का विद्रोह की क्रांति का बिगुल बजाया था, कहां पर, बैरकपुर में। गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, भाई गांधी जी ने मूवमेंट चलाई थी जो विदेशी सामान है उसके बहिष्कार के, तो उसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था उसका, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो हमारी डोमेस्टिक कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। इन विच ईयर गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात, गांधी जी ने साबरमती आश्रम गुजरात की स्थापना कब की थी, 17 जून 1917 को। हु वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर के तौर पर कौन कहे जाते हैं भाई, अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं सर सैयद अहमद खान। गांधी जी वॉज स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ, सो गांधी जी कड़े सपोर्टर थे भाई, किस चीज के सपोर्टर थे गांधी जी, कॉटेज इंडस्ट्री के। हु इज एसोसिएटेड विद द टर्म लोकनायक इन इंडिया, लोकनायक जो ये टर्म है ये किस व्यक्ति से जुड़ी हुई है आपको बताना है, ये जुड़ी हुई है जयप्रकाश नारायण से। हु वॉज द पायनियर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, सो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जनक किसे माना जाता है भाई, तो ये जनक माना जाता है राजा राम मोहन रॉय को। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज पेपर दैट वॉज प्रिंटेड, पहला इंडियन न्यूज पेपर जिसे प्रिंट किया गया था, सो वो कौन था, द बंगाल गेजेट। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट विच डिक्लेयर्ड दैट सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन वॉज, तो भाई किस एक्ट के तहत ये डिक्लेयर किया गया था, जो प्रभुत्व है ब्रिटिश एम्पायर का अब वो किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया है, तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सुभाष चंद्र बोस सेटअप द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, प्रोविजनल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस ने इस्टेब्लिश की थी फ्री इंडिया की, कहां पे, सिंगापुर में वर्ष 1943 में। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी कौन से एक्ट के तहत, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द
द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है। सो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। हु अमंग द फॉलोइंग पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा, तो कौन से पुर्तगाली ने गोवा को कैप्चर किया था आपको बताना है। तो इनका नाम है अफोंसो डे अल्बुकर्की। द कॉम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 गेव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू, सो कॉम्युनल अवार्ड जो 1932 में डिक्लेयर किए गए थे, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया गया था किसके लिए, जो हरिजन्स हैं उनके लिए और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके लिए, ठीक है। सो हरिजन वैसे ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको और माइनॉरिटी कम्युनिटी भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, तो दोनों ही आंसर हैं। ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, सो भारत में पोस्टल सिस्टम कौन से गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था आपको बताना है, लॉर्ड डलहौजी ने। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था भाई, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज, पहली रेलवे लाइन जो इंडिया में बिछाई गई थी, सो भाई कौन से व्यक्ति का वो जो पूरा का पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया था, आर्किटेक्ट कौन थे, उनका नाम है कॉलोनल जॉर्ज थॉमस क्लार्क। द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट नेशन इन द ईयर, सो मुस्लिम लीग ने जो है एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया सेपरेट नेशन का, यानी कि अलग से राष्ट्र की इन्होंने मांग की, कब, 1940 में। कैप्टन सॉन्ड्रस द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर वॉज शॉट डेड बाय, कैप्टन सॉन्ड्रस की हत्या किसने की थी भाई, भगत सिंह ने। बारदोली सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विद, बारदोली सत्याग्रह के जो लीडर थे वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूना पैक्ट साइन इन 1934 प्रोवाइडेड फॉर, जो पूना पैक्ट साइन हुआ था 1934 में, ठीक है, तो इसने क्या प्रोवाइड किया, इट प्रोवाइड जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन फॉर हरिजन्स। द सती सिस्टम वॉज एबोलिस्ड इन 1829 बाय, भाई 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेनेटिक के द्वारा। बेगम हजरत महल लेट द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था, कहां से इन्होंने लीड किया था विद्रोह, अवध से। द बुधान मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय, बुधान मूवमेंट भाई किसने लॉन्च की थी, आचार्य विनोबा भावे ने। देशबंधु जो टाइटल है किससे जुड़ा है, जो देशबंधु टाइटल है वो जुड़ा है चित्रंजन दास से। आजाद हिंद फौज वॉज फॉर्म्ड, आजाद हिंद फौज कब बनी थी भाई, आजाद हिंद फौज बनी थी 1942 में। बंगाल वॉज पार्टीशन इन 1905 अंडर द वॉयस रॉयल्टी ऑफ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था, उस समय वॉयसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, निम्नलिखित में से किसने जो है सारी की सारी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज, पहले गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे भारत के अंदर ही आपको बताना है, वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। द बुक प्रिजन डायरी वॉज रिटन बाय, सो प्रिजन डायरी बुक है जो वो किसने लिखी थी, प्रिजन डायरी बुक लिखी थी भाई जयप्रकाश नारायण। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड इन 1784 ओन ओज इट्स ओरिजिन टू, सो भाई जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, ठीक है, तो इसके जनक कौन माने जाते हैं, सर विलियम जॉन्स। व्हेन एंड वेयर डिड थियोसोफिकल सोसाइटी एस्टेब्लिश इज हेडक्वार्टर इन इंडिया, मैंने आपको पहले बताया था थियोसोफिकल सोसाइटी कहाँ पे आई थी, अद्यार मद्रास में आई थी, 1882 में इसने अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया था। हु वॉज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे भाई, हेनरी विवियन दियोरजियो। हु अमंग द फॉलोइंग बेनिफिटेड मोस्ट बाय ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, सो ब्रिटिश का जो रेवेन्यू सिस्टम था उसका सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया भारत में, जमींदारों ने उठाया। साइमन कमीशन वॉज सेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू इंडिया टू रिव्यू, साइमन कमीशन भेजा गया था भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा किसके, किसका रिव्यू करने के लिए, सो जो दायरेची सिस्टम था उसका, सो वर्किंग ऑफ दायरेची इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ,
तो कौन सा एक्ट था, कौन सा लॉ था जो ब्रिटिशर्स को पावर्स देता था किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए या शक के आधार पर उसको जेल में बंद किया जा सकता था? तो वो था द रोलेट एक्ट। गांधी जी अपोज्ड द कम्युनल अवार्ड बिकॉज ही थॉट दिस वुड ब्रेक। गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड का विद्रोह किया क्योंकि उसमें सेपरेट इलेक्ट्रोल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी के लिए। सो गांधी जी ने सोचा था ये जो कम्युनल अवार्ड हैं ये क्या होंगे, हमारी जो हिंदू सोसाइटी है उसको डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। सो इट वुड डिसइंटीग्रेट हिंदू सोसाइटी, ऐसा महात्मा गांधी जी ने सोचा और इस कम्युनल अवार्ड का जो उन्होंने विद्रोह किया। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, आपको बताना है। सो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इन विच रीजन डिज बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? बिरसा मुंडा ने कहाँ से ऑपरेट किया था आपको बताना है। सो जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है वहाँ से बिरसा मुंडा ऑपरेट करते थे। कभी कभी झारखंड भी जो है आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। द इंडियन ट्राइकलर वॉज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द जवाहरलाल नेहरू। जो भारत का तिरंगा है भाई सबसे पहले फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, कहाँ पर? लाहौर में 26 जनवरी 1930 को। Who created the Madras Presidency as it existed till Indian Independence? So Madras Presidency किसने बनाई थी और जो भारत की आज़ादी के समय तक बनी रही? Madras Presidency बनाई थी सर थॉमस मुनरो। Who among the following analyzed the cause of uprising of 1857, advocating a reconciliation between the British and the Muslim? जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो किस व्यक्ति ने सोचा ये यदि हम ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे तो ये एक सुलह का काम करेगा हमारे लिए ब्रिटिशर्स के बीच? तो ऐसा सोचा था भाई सर सैयद अहमद खान, ठीक है, वो अंग्रेजों के साथ थे इस विद्रोह के समय। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन, जो बंगाल का विभाजन था वो रद्द कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब रद्द किया गया था? 1911 में। नील दर्पण, अ प्ले डिपिक्टिंग द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर वॉज रिटन बाय। नील दर्पण किसने लिखा था भाई? नील दर्पण लिखा था दीन बंधु मित्र ने। दीन बंधु मित्र, हो गला दुखने लग गया भाई। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पायनियर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th century? तो भाई समाज सुधारक के तौर पर जो है 19वीं सदी के सबसे बड़े महान समाज सुधारक के तौर पर किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कहाँ पे की थी? बॉम्बे में, 7 अप्रैल 1875 को स्थापना की थी। रायतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर रेफर्स टू अ सिचुएशन बेयर, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रायतवाड़ी सिस्टम क्या था भाई, ठीक है। सो रायत इज द ओनर ऑफ द लैंड held by him, her and directly pays the revenue assessed on the land to the state. So जो जमींदार होता था वही भूमि का मालिक होता था और वो directly जो है revenue होता था वो pay करता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। Who among the following was famous for framing the education minute? Education minute बनाने के तौर पर इंडिया में किसे जाना जाता है भाई? लॉर्ड मैकाले को। Who among the following abolished the dual system of government in Bengal? So, जो dual system थी बंगाल की उसको खत्म किया था किसने किया था? Warren Hastings। In which of the following places was the Rayatwadi settlement introduced? Rayatwadi settlement जो है कौन कौन से क्षेत्र में introduce की गई थी? Madras and Bombay Presidency। Who among the following is popularly known as Periyar? Periyar के तौर पर किसे जाना जाता था ये आपको बताना है। So, जो ईवी रामस्वामी नायकर थे उनको पेरियार के तौर पे जाना जाता था। द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर विच वॉज एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्सों ने अपना पहला ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश किया था कहाँ पे? सूरत गुजरात में वर्ष 1612। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1920? 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। The joint session of Congress and Muslim League was held in 1916 at, जो joint session हुआ था Congress और Muslim का 1916 में कहाँ पे हुआ था भाई? वो लखनऊ में। Tricolor was adopted as national flag, जो तिरंगा झंडा हमने national flag adopt किया था कब adopt किया, कहाँ पे adopt किया था? लाहौर।
द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्शन ऑफ डायर्ची इन 1999 एक्ट वॉज. तो कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था डायर्ची इंट्रोड्यूस करने के लिए 1919 एक्ट के तहत. तो कौन कौन था, एक तो था एडविन सैमुअल मॉन्टेगू और एक था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये दो व्यक्ति थे. इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग गवर्नरशिप ऑफ. सो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था 1904 में. सो उस समय किस गवर्नर ने इसको पास किया था भाई, लॉर्ड कर्जन. द इंडियन नेशनल आर्मी आजाद इन फौज फॉट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट. तो दूसरे विश्व युद्ध में जो इंडियन नेशनल आर्मी है आजाद इन फौज थी वो लड़ी थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ, और किसकी सहायता से लड़ी थी, जापान की सहायता से. हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया. प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया के तौर पर किसे जाना जाता था भाई, स्वामी विवेकानंद. वेयर वॉज द रॉयल दरबार हेल्ड ऑन नवंबर 1, 1858 टू इशू द क्वींस प्रोक्लेमेशन. तो जो रॉयल दरबार लगा था 1857 का वो कहाँ पे लगा था भाई, अलाहाबाद. गांधी जी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, जो गांधी जी थे वो काफी प्रभावित थे किसकी राइटिंग से, लियो टॉल्स्टॉय. ठीक है, इनके द्वारा जो बुकें लिखी थी गांधी जी पढ़कर उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे. Which one of the following was the first English ship that came to India? पहली English ship जो भारत में आई थी वो कौन थी, Red Dragon. Who among the following British person admitted the revolt of 1857 as a national revolt? So कौन से British व्यक्ति ने ये माना कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था. तो भाई ये माना था बेंजामिन डिसराइली ने. साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज. साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था हमारे भारतीयों के द्वारा. क्यों किया गया था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. द कॉल ऑफ बैक टू वेदास वॉज गिवन बाय, सॉरी, ये नारा किसने दिया था भाई, चलो वेदों की ओर, ये दिया था स्वामी दयानंद जी. तो भाई 201 प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए मॉडर्न हिस्ट्री के, और इन 201 प्रश्नों में आपकी सारी मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो गई है. सो जो आरंभिक जो आपकी जो शुरू की मॉडर्न हिस्ट्री है प्लस जो मिडिवल हिस्ट्री है उसकी भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए. शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इसको प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.